देखिए दोस्तों, इस किट का वायरिंग करने के लिए आपको बिना किसी पोटेंशियोमीटर से वायरिंग करने के लिए आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो मिले या ना मिले, नहीं भी मिल सकते हैं और मिल भी सकते हैं, तो आज मैं पूरा इसका ए टू जेड वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा और इससे आप ज़रूर सफल होंगे इसका इस किट को चलाने के लिए। सो दोस्तों, इस किट को चलाने के लिए आपका ज़रूर जो ट्रांसफार्मर होगा वो ज़रूर 2 एम्पियर के ऊपर होना चाहिए और 4 एम्पियर के नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये किट चलाने के लिए हमें 2 से 3 एम्पियर की ज़रूरत पड़ते हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो, और वो 12/12 कनेक्शन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस किट का वायरिंग पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कहाँ आप ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर सकते हो 12/12 का कनेक्शन। तो एक एक करके मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। और ये जो स्पीकर आप देख सकते हैं, ये है हमारा वूफर के स्पीकर, सब वूफर, और ये दोनों है हमारा नॉर्मल सा स्पीकर जो वूफर कहते हैं उसको। इन दोनों स्पीकर हमारा वूफर के लिए, और ये है हमारा सब वूफर। सो देखिए दोस्तों, ये 25 वाट का स्पीकर है और ये 20 वाट का स्पीकर है। सो दोस्तों, इन तीनों को मैं जोड़ूंगा और एक वॉक्स केबल के मदद से मैं इसका वायरिंग करूंगा। देख सकते हैं, ये है एक 3.5 mm का जैक, हेडफोन जैक, इसके ज़रिए ही हम इसका वायरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका जो देखिए ऐसे करके कुछ तार आपको निकालना होगा और इससे ग्राउंड ऐसे करके बना लेना चाहिए, और इन दोनों लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको इसका ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब जूम कर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जूम कर लेती हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको कनेक्शन के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इधर हमारा AC लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आसानी से। कई भी सर्किट में ऐसा होता है कि कुछ भी लिखा नहीं दिया जाता है, तो इसमें लिखा दिया गया है AC। इधर 12/12 कनेक्शन बता रहा है, मतलब इधर आप कनेक्शन कर सकते हैं आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होएगा। आपको पहले कनेक्शन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से इसका वायरिंग कर लिया है। देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई का वायरिंग आप ऐसे करना होगा आपको। देखिए, इन तीनों जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, मिडिल का जो टर्मिनल होगा वो हमारा ग्राउंड हो जाएगा, मतलब ये योलो वाला आपको देना चाहिए, उस पर 0 का कनेक्शन, और दोनों जो 12/12 करके कनेक्शन है वो दोनों साइड के लिए आपको हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इन तीनों स्पीकर के कनेक्शन के बारे में। सो दोस्तों, इस तीनों स्पीकर के कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से आपको कोई एक या फिर दो ग्राउंड का कनेक्शन चुन लेना होगा। देखिए, ये है हमारा एक ग्राउंड के कनेक्शन, देख सकते हैं, और
इधर भी आप देख सकते हैं, यह है एक ग्राउंड का पिन, कई सारे ग्राउंड का पिन होगा। इन तीनों स्पीकर को आपको ग्राउंड के साथ एक वायर्स आपको जोड़ लेना होगा, जो कि आपका जो भी आपका पिन्स हो, कोई भी आपका पिन्स हो सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, पहले इसका तीनों का ग्राउंड के लिए कनेक्शन कर लेंगे, तीनों का नहीं। देखिए दोस्तों, सबवूफर के लिए हमें यहाँ पर दो पिन्स दिया गया है, इन दोनों पिन्स पर हम कनेक्शन कर सकते हैं। इधर वूफर लिखा है, इन दोनों पिन्स पर हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबवूफर के लिए कनेक्शन कर लेती हूँ, इन दोनों पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों इसका कनेक्शन, एक कनेक्शन तो यहाँ पर हो गया है जो आईसी का इस पिन से गया है इधर से, और ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड के लिए, कोई सा भी आप ले सकते हैं। देखिए ग्राउंड का कनेक्शन मैंने यहाँ से इस तरह से कर लिया है। आपको ख्याल रखना होगा, एक पिन से अलग पिन में कोई सा भी तार आपको टच नहीं करना चाहिए, सिर्फ जिस पिन पर आप कनेक्शन कर रहे हो उस पिन पर ही रहना चाहिए। सो देख सकते हैं, ऐसे करके जो सबवूफर है हमारा उसका कनेक्शन मैंने कर लिया है। और इन दोनों स्पीकर के कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर आप देख सकते हैं एसपी लिखा हुआ है, इधर हमारा तीन टर्मिनल दिया गया है। इन तीन टर्मिनलों से मिडिल का जो टर्मिनल है वो टर्मिनल हमारा हो जाएगा ग्राउंड के लिए, और लेफ्ट और राइट साइड के लिए दोनों टर्मिनल आपको अलग से मिल जाएगा। सो उसको भी मैं कनेक्शन कर लेती हूँ। ग्राउंड के लिए मैं इस वाले को चूज़ कर रहा हूँ, और इसका कोई सा भी एक साइड पर कर दूंगा। पहले मैं आपको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ग्राउंड के लिए मैं यहाँ से एक स्पीकर का कनेक्शन कर दिया है, और इन तीनों टर्मिनल से तीनों पिन से एक पर मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा जो स्पीकर है उसको भी जोड़ लेता हूँ। दूसरा स्पीकर के लिए भी वही कनेक्शन होगा, एक ग्राउंड पर और एक स्पिन का जो लेफ्ट साइड राइट साइड में है उस पर कनेक्शन होगा। सो इस पर भी मैं पहले ग्राउंड का कनेक्शन कर लेती हूँ। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर कहीं दूर से भी ले सकते हैं ग्राउंड का कनेक्शन। यहाँ पर हमें ग्राउंड का एक कनेक्शन मिल गया है, और यहाँ हमें एक आईसी का कनेक्शन मिल जाता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन कर लिया है। देखिए यह ग्राउंड का जो पिन है हमारा, वो मैंने यहाँ से एक और एक यहाँ से कनेक्शन कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक पॉजिटिव पिन, और ये है हमारा एक पॉजिटिव पिन। इन दोनों हमारा पॉजिटिव पिन हो जाएगा, और ये दोनों हमारा ग्राउंड के लिए हो चुका है। सो दोस्तों, हमारा जो स्पीकर के कनेक्शन थे वो तीनों स्पीकर के कनेक्शन मैंने कर लिया है, ऐसे करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा सबवूफर, और ये है हमारा दो सैटेलाइट स्पीकर। मेरा ट्रांसफार्मर के कनेक्शन भी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस पर इनपुट ऑडियो इनपुट देने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा, जो कि आपको वो भी जूम करके दिखा देती हूँ। इसका कनेक्शन करने के लिए भी आपको वही करना होगा। देखिए इधर आपका SBE करके लिखा हुआ है, इधर जो पांच पिन आपको दिख रहा है, इस पांच पिनों में आपका कनेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए भी आपको ग्राउंड से कोई भी एक पिन्स ले लेना होगा, जैसे कि मैंने किया था। ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड के वायर और ब्लैक वाला, और इन दोनों है हमारा रेड और येलो वाला, इन दोनों है हमारा लेफ्ट और राइट साइड के ऑडियो के लिए। सो हम क्या करेंगे, ये पिन जो दिख रहा है आपको, ये वाला पिन, ये हमारा एक हो जाएगा लेफ्ट या फिर राइट साइड ऑडियो के लिए, और ये देखिए, ये या फिर ये पिन हो जाएगा हमारा लेफ्ट और राइट साइड के ऑडियो के लिए।
मतलब हमें ये पास पिन्सों में से ये वाला हो जाएगा हमारा इनपुट ऑडियो के लिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पर इनपुट के लिए आप कनेक्शन कर दीजिए। और ग्राउंड का कनेक्शन जो होगा आपका वो आप यह इससे यहाँ से यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर कोई ग्राउंड है, देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड है, इसमें से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। सो मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ पहले। ये दोस्तों मैंने इस तरह से तरीके से इसका कनेक्शन कर लिया है, और एक यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे और एक यहाँ पर कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कनेक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। और दोस्तों और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखिए इधर जो हमारा पोटेंशियोमीटर के लिए बेस के लिए 3 पिंस दिया गया है पोटेंशियोमीटर जोड़ने के लिए, अगर आप पोटेंशियोमीटर नहीं जोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों में से ऐसे करके आपका बोर्ड को पकड़िए और इन ये देखिए एक पिन और ये जो मिडिल का दोनों मिडिल का एक पिन और इस साइड का जो पिंस है वो पिन को आप शॉर्ट कर लीजिए, ताकि आपका जो पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन दिया गया है वो कनेक्शन ऐसे ही चला जाए। सो मैं पहले इसको शॉर्ट कर लेते हूँ। देखिए दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से इसको शॉर्ट कर लिया है, आप भी इस तरीके से शॉर्ट कर लीजिए ताकि आपका बेस का कनेक्शन सीधा आपके बूफर पे चला जाए। अभी हमें क्या करना होगा, इस पर पावर सप्लाई देना होगा और कोई सा भी मोबाइल लेकर मैं आपको इसका गाना प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इस पर बिल्कुल कनेक्शन दे दिया है, और देखिए ये इस मोबाइल से मैं आपको म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा दोस्तों ऐसे करके आपका कनेक्शन हो जाएगा आसानी से। तो दोस्तों इतना ही था हमारा वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल बनेगा, और दोस्तों इसका जो पोटेंशियोमीटर जोड़ने का वीडियो है वो मैं बाद में डाल दूंगा मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट की वीडियो बना हुआ हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा जो TDA-2030 का सोनी कंपनी का होम थिएटर के लिए भी मैंने एक सर्किट बोर्ड वायरिंग कर चुका हूँ, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत
हेल्पफुल भी बनेगा। सो दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।